हेलो गाइस, ये है YG लॉ और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अ हिंदू। क्योंकि अगर अपन फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं तो दो मेजर पार्ट उसके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ हैं। ये दोनों पर्सनल लॉ मेजर पार्ट हैं फैमिली लॉ का, तो अपने को पता होना चाहिए कि हिंदू कौन है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन काफ़ी वाइड है। मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन नहीं है कि जो हिंदू धर्म के हैं वो हिंदू हैं, इसके अलावा भी डेफिनेशन में दूसरे एलिमेंट्स हैं, तो पढ़ना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस टर्म की हिस्ट्री, हिंदू टर्म आया कहाँ से। देखो, जो टर्म हिंदू है ना, वो रिलीजन के बेसिस पे कॉइन नहीं हुआ था, वो ज्योग्राफी के बेसिस पे कॉइन हुआ था। ज्योग्राफी के बेसिस पे कैसे? हिंदू टर्म आया था सिंधु टर्म से, और सिंधु टर्म उन लोगों को डिनोट करने के लिए बोला जाता था जो सिंधु रिवर के आसपास रहते थे। जो अभी प्रेजेंट डे उसका इंडस रिवर नाम है, उसको पहले सिंधु रिवर बोला जाता था। तो सिंधु के पास रहने वाले सिंधु, और सिंधु बाद में बन गया हिंदू। और ये टर्म यूज़ होता था आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों को जो मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं है। ये बाद की बात है, ये 16th सेंचुरी की बात है। ये जो सिंधु टर्म वाली बात है, ये अपनी 0 BCE की बात है, मतलब एकदम बहुत 2000 साल पहले की बात है। फिर 16th सेंचुरी तक आते आते दूसरे कल्चर के लोग भी आने लगे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, टर्किश, ये सब लोग आने लगे। तो तब ये सिंधु वर्ड हिंदू बन चुका था, और हिंदू वर्ड यूज़ होता था डिनोट करने के लिए कि भाई हिंदू कौन है जो मुस्लिम, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह नहीं है। तो जो ये हिंदू की जो डेफिनेशन है ना, वो नेगेटिव डेफिनेशन है। मतलब हिंदू कौन है ये डिफाइन ऐसे होएगा कि उन सब लोगों को आउट कर दो जो हिंदू नहीं है, तो बचे हुए सब हिंदू हैं। तो हुएवर इज नॉट अ हिंदू, ये डिफाइन हो जाएगा। मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, तो बाकी बचे हुए लोग हिंदू हैं। लेकिन पॉजिटिव डेफिनेशन कैसी होती है कि हिंदू कौन है वो बताया जाए। तो अभी अपने जो लॉ में जो डेफिनेशन है वो इन दोनों का मिक्स है, थोड़ी सी नेगेटिव भी है, थोड़ी सी पॉजिटिव भी है। अब लॉ में अगर अपन देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू डिफाइन किया गया है। इसके सेक्शन 2(1) में बताया गया है कि हिंदू कौन कौन लोग होंगे। तो ये सारी कैटेगरीज जो मैं आपको बताऊंगा, ये सब हिंदू में फॉल करेंगे। सबसे पहला, अ पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये वीरशैव, लिंगायत और ये ब्रह्मा, आर्य समाज वगैरह के लोग होते हैं, ये सब हिंदू में आ जाएंगे। मतलब जो बाय रिलीजन हिंदू है वो तो हिंदू है, ये तो ऑब्वियस था। दूसरी चीज, अ पर्सन प्रोफेसिंग द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। अब देखो, लॉ के हिसाब से जो रिलीजन की बात आ रही है ना, तो सिर्फ हिंदू रिलीजन नहीं, बुद्धिस्ट रिलीजन, जैन रिलीजन और सिख रिलीजन, ये तीनों थोड़े अलग रिलीजन है। मतलब ये हिंदुज़म में सिख और हिंदू सेम रिलीजन नहीं है ना, लेकिन इन तीनों कैटेगरी को हिंदू के साथ भी लॉ के पर्पस के लिए हिंदू माना जाएगा। ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन 2 में भी मेंशन है। अगली कैटेगरी है वही जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव डेफिनेशन। अ पर्सन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और जू, ये चार रिलीजन के लोग हटा दो तो उसके अलावा सारे लोग हिंदू हैं। ठीक है, अगर वो सामने वाला इंसान प्रूव कर देता है कि वो क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, जू नहीं है, और उसके बाद भी वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होगा, कैसे भी वो प्रूव करे, तो वो नहीं माना जाएगा हिंदू। लेकिन बाय डिफॉल्ट अपन यही मानेंगे कि हु इज नॉट अ क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और जू इज हिंदू। नेक्स्ट बात आती है बच्चों की। तो कोई भी बच्चा, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, जिसके दोनों माँ बाप हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं, वो हिंदू माना जाएगा। ध्यान रखना, लेजिटिमेट चिल्ड्रन भी और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन भी, अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं, तो वो हिंदू होगा बच्चा। अब दोनों पेरेंट्स की अपन ने बात कर ली, लेकिन अगर एक ही पेरेंट हुआ तो, अगर एक ही पेरेंट हिंदू हुआ ना, तो डिसाइड होगा उस बच्चे का रिलीजन उस बेसिस पे कि उसकी अपब्रिंगिंग किस बेसिस पे हुई है। मान लो उसकी मम्मी क्रिश्चियन है और उसके पापा हिंदू हैं, लेकिन उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो मम्मी ने करी है पूरी क्रिश्चियन कस्टम्स और उसके हिसाब से, तो वो क्रिश्चियन माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी हिंदू अपब्रिंगिंग हुई है तो उसे हिंदू माना जाएगा। समझ गए, अपब्रिंगिंग पे डिसाइड होता है। नॉर्मली पेट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है, फादर का रिलीजन देते हैं, लेकिन ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये ऐसा होता है। लेकिन अगर उसकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई है एज अ हिंदू, दूसरे रिलीजन के हिसाब से हुई है, तो वो उसका दूसरा रिलीजन माना जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कोई इंसान जो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान कन्वर्ट हो जाता है, क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कुछ भी है, दूसरे रिलीजन का है, और वो कन्वर्ट हो जाता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन में, तो उसे हिंदू माना जाएगा। कन्वर्जन की जहां तक बात आती है, इंटेंशन टू बी कन्वर्टेड, मतलब जो इंसान है उसका इंटेंशन है कन्वर्ट होने का, और उसका कंडक्ट दिखा रहा है। जैसे मान लो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा हूँ, मैं हिंदू रीति रिवाज से शादी करता हूँ, और फिर मैं अखबार में भी डिक्लेरेशन दे देता हूँ कि आज से मैं हिंदू हूँ, तो मुझे हिंदू माना जाएगा क्योंकि मेरा कंडक्ट हिंदू वाला है और मेरा इंटेंशन हिंदू बनने का है। ऐसी कोई स्पेशल सेरेमनी नहीं होगी, जैसे कई रिलीजन्स में कोई स्पेशल सेरेमनी होती है अगर आपको उस रिलीजन में जाना है, तो हिंदुज़म में ऐसा नहीं है। हिंदुज़म में ऐसी कोई स्पेशल सेरेमनीज नहीं है, अगर कंडक्ट और इंटेंशन है तो वो इंसान हिंदू माना जाएगा। इस पर एक केस लॉ है, पेरुमल वर्सेज पोन्नुस्वामी 1971 का केस है। इसमें क्या, ये था पेरुमल, पेरुमल था हिंदू और एक इसकी वाइफ थी, वो थी क्रिश्चियन,
लेकिन उन्होंने हिंदू सेरेमनी से शादी करी और वाइफ ने भी अग्री करा कि वो मिताक्षरा लॉ से डील करेगी अपने आप को आगे फ्यूचर में, मतलब उसका इंटेंशन भी था और कंडक्ट भी था, तो ये हिंदू हो गई एकदम से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, इनका सेपरेशन हो गया, लेकिन सेपरेशन जब हुआ तो जो बच्चा था इनका, बच्चा कौन था, बच्चा पोन्नू स्वामी था, तो पेरुमल वर्सेस पोन्नू स्वामी का केस है, पेरुमल बाप और बच्चा पोन्नू स्वामी। तो जो बच्चा था सेपरेशन के टाइम पे वो मम्मी के साथ अलग चला गया और उसके अपब्रिंगिंग मम्मी ने हिंदू कल्चर के हिसाब से ही करी, वो पहले क्रिश्चियन थी, शादी उन्होंने हिंदू कल्चर से करी, सेपरेशन भी करा, लेकिन वो सेपरेशन के बाद भी हिंदू कल्चर से ही अपब्रिंगिंग करी और खुद भी हिंदू कल्चर से ही रह रही थी पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब पोन्नू स्वामी ने केस करा पेरुमल के अगेंस्ट, किसके लिए, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए, तो पेरुमल बोला कि ये जो बच्चा है और इसकी माँ है ये क्रिश्चियन है, तो वो शादी ही इनवैलिड है और ये बच्चा भी क्रिश्चियन है, तो इसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो हिंदू कस्टम का हिस्सा है और ये बच्चा हिंदू है ही नहीं, तो इसको नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने बोला कि सबसे पहली बात तो वो माँ हिंदू बन गई थी, वो क्रिश्चियन थी नहीं, दूसरी बात जब सेपरेशन हुआ उसके बाद भी उसके कंडक्ट से दिख रहा है कि वो हिंदू ही रही, क्योंकि उसने जो अपब्रिंगिंग करी है वो भी एज अ हिंदू करी है बच्चे की, तो वो बच्चा हिंदू माना जाएगा और ये केस पोन्नू स्वामी के फेवर में किया गया। तो ये था केस पेरुमल वर्सेस पोन्नू स्वामी का, जिसमें कन्वर्जन की बात की थी और कन्वर्जन के बाद बच्चे की अपब्रिंगिंग की बात की थी, तो दोनों पॉइंट इसमें कवर होते हैं। तो गाइज ये थी हिंदू की शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे सारे वीडियो, हमारे क्या मतलब मेरे मेरे सारे वीडियो ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं, और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फैमिली लॉ की अगर आपको बाकी वीडियोस देखने हैं, और मैंने अपने चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स भी आईपीसी वगैरह भी कवर कर रखे हैं, आपको वो देखना है तो वो भी जाके देख सकते हैं। लाइक करना ना भूलिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब का भूल ही चुका हूँ कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली बार।